राहत फतेह ने मेरा लिखा गाना गाया लेकिन क्रेडिट नहीं दिया। मजीद तफसीलात जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। पाकिस्तानी फनकारा सईदा इमाम एक बेहतरीन अदाकारा है, ये तो सब ही जानते हैं, लेकिन शायद ही कोई ये जानता होगा कि वो अदाकारा के साथ साथ एक बेहतरीन शायरा भी हैं। एक ऐसी शायरा जो सिर्फ अपनी डायरी में शेर नहीं लिखती बल्कि चंद ऐसे गानों को भी तहरीर कर चुकी हैं जो आज मशहूर जमाना गानों में शुमार किए जाते हैं। सईदा इमाम हाल ही में एक शो पर जलवागर हुई जिसकी मेजबानी वसीम बदामी कर रहे थे। इस दौरान सईदा इमाम ने दावा किया कि उन्होंने चंद ऐसे गानों को तहरीर किया जिसकी गुलकारी राहत फतेह अली खान ने की, लेकिन इन गानों का उन्हें क्रेडिट नहीं दिया गया। शो में एक मौके पर वसीम बदामी ने सईदा इमाम से सवाल किया कि क्या कभी उन्होंने अदाकारी के साथ गाने भी तहरीर किए, तो इस पर गुलकारा ने दावा किया कि मशहूर जमाना गाना जिया धड़क धड़क उन्होंने ही तहरीर किया जिसकी गुलकारी कामयाब पाकिस्तानी गुलकार राहत फतेह अली खान ने की थी। वसीम बदामी नहायत हैरान हुए और उन्होंने सवाल किया कि इस गाने को लिखने में उन्हें क्रेडिट क्यों नहीं दिया गया। इस पर सईदा ने हंसते हुए बताया कि शायद मुझे पैसे मिलने लगते इसलिए मुझे राहत ने क्रेडिट नहीं दिया। सईदा इमाम ने मजीद बताया कि उन्हें राहत से कोई शिकवा नहीं क्योंकि वो इनके बहुत अच्छे दोस्त हैं और वो काफ़ी पहले ये गाने उन्हें दे चुकी हैं, और जब उन्होंने ये गाना तहरीर किया था तब वो खुद भी नहीं जानती थी कि मुकम्मल होकर ये इतना खूबसूरत बनकर सामने आएगा। सईदा इमाम के मुताबिक वो जिया धड़क धड़क के अलावा एक और कामयाब गाने जिंदगी सफर में है, कट रहा है रास्ता को तहरीर कर चुकी हैं जिसकी गुलकारी भी राहत फतेह अली खान ने की है। अदाकारा ने यह भी बताया कि राहत ने शायद इसलिए ऐसा किया क्योंकि वो भारत में ये नहीं दिखाना चाहते थे कि ये गाने किसी पाकिस्तानी ने तहरीर किए। याद रहे कि जिन गानों को तहरीर करने का दावा सईदा इमाम कर रही हैं वो बॉलीवुड फिल्मों में शामिल किए गए जो आज दुनिया भर के कामयाब गानों में शुमार किए जाते हैं। हैरानी की बात यह है कि YouTube पर शेयर करदा इन गानों में लिखारियों का क्रेडिट किसी दूसरे शायरों को दिया गया है। जिया धड़क धड़क गाने का क्रेडिट सईदा इमाम की जगह सईद कादरी को दिया गया, जबकि जिंदगी सफर में है गाने का क्रेडिट सचिन गुप्ता को दिया गया। जब शो के मेजबान ने इनसे सवाल किया कि क्या उन्हें लगता है कि उनके साथ सियासत की गई, तो इस पर सईदा का कहना था कि मुझे नहीं लगता कि मेरे साथ सियासत की गई, मैंने एक चीज़ दे दी थी, ये राहत का इखलाक होता अगर वो मेरा नाम लेता तो मेरे क्रेडिट पर बड़ा काम रहता, इसे लगा पैसे कमा लेना ज़्यादा अच्छा है लेकिन मैं इसे इसका जिम्मेदार नहीं ठहराती, इन्हें पहला मौका मिल रहा था तो इसने दूसरे लोगों की सुनी। वाज़े रहे कि राहत फतेह अली खान जिया धड़क धड़क गाने के लिए 2006 में नामवर भारतीय अवार्ड शो आइफा के लिए नामजद भी किया गया था। दोस्तों आप अपनी राय का इजहार कमेंट में लाजमी करें। आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर लाजमी क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।